दोस्तों भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और रानी लक्ष्मीबाई जैसे बहुत से ऐसे वीर और महान योद्धाएं हुए हैं जिन्होंने विदेशी ताकतों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और देश की खातिर हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। इन वीर योद्धाओं की शौर्य गाथाएं हम अक्सर अलग अलग किताबों में पढ़ते व देखते रहते हैं, लेकिन भारत के इतिहास में कुछ योद्धा ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने देश की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान तो किया, लेकिन इतिहास में उन्हें वो पहचान कभी नहीं मिल पाई जिसके वो सही मायनों में हकदार थे। और ऐसे ही कुछ वीरों में कुंजाली मरक्कारों का नाम भी शामिल है जिन्होंने 16वीं शताब्दी के दौरान दक्षिणी भारत पर कब्जा करने आए पुर्तगालियों को भारत से खदेड़ दिया था। इसलिए आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत के इस वीर योद्धा की कहानी जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि कुंजाली मरक्कार के इतिहास पर मरक्कार लायन ऑफ द अरेबियन सी नाम की साउथ इंडियन मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो पर पड़ा हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं कहना चाहूँगा कि एक बार आप उस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि ये भारत के एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी है जिसे दुनिया अब भूल चुकी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 16वीं सदी के दौरान केरल राज्य में बसा कोझिकोड भारत का एक मजबूत शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था जिसके हिंदू शासकों को जामोरिन की उपाधि से बुलाया जाता था। दरअसल उस समय कोझिकोड अरब, चीन और रोम के व्यापारियों और केरल के लोगों के बीच व्यापार का एक सेंटर था, जहां से केरल के लोग इन विदेशी ट्रेडर्स के साथ समुद्र के रास्ते भारतीय मसालों का व्यापार किया करते थे। यही वजह थी कि उस समय कोझिकोड को लोग सिटी ऑफ स्पाइसेस कहकर बुलाते थे। केरल के लोग और इन विदेशी ट्रेडर्स के बीच ये फ्रेंडली बिजनेस रिलेशन कई सदियों से चला आ रहा था और इस व्यापारिक संबंध की वजह से ही कोझिकोड के लोग बेहद खुशहाल थे, जहां लोग अमन और शांति के साथ अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन साल 1497 में जब मशहूर पुर्तगाली एक्सप्लोरर वास्को दी गामा पहली बार भारत आए तो कोझिकोड की सरजमी पर उनके पैर पड़ते ही यहां के खुशहाली को मानो नजर सी लग गई। दरअसल वास्को दी गामा ने पुर्तगाल और कोझिकोड के बीच बिजनेस रिलेशन बनाने की बात रखी, जिसे जामोरिन हिंदू शासक ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वास्को दी गामा मसालों के व्यापार को पुर्तगालियों के कब्जों में लाना चाहते थे और इसी के चलते जामोरिन शासक से उनकी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद वास्को दी गामा वापस पुर्तगाल लौट गए। हालांकि साल 1503 में ईसाई धर्म को फैलाने और मसालों के व्यापार पर अपनी मोनोपोली स्थापित करने के लिए वे एक बार फिर से कोझिकोड आए और इस बार उन्होंने अरब और दूसरे देशों के व्यापारियों को केरल से बेदखल करने के लिए अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया। दरअसल पुर्तगालियों ने जामोरिन को हराने के लिए कोझिकोड के पड़ोसी साम्राज्य कोच्ची के राजा से हाथ मिलाकर उसको अपने व्यापार में पार्टनर बना लिया और फिर अपनी ताकत के दम पर इस समुद्री इलाके में जबरदस्ती अपना खुद का पुर्तगाली पास लागू कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यापारी बिना पुर्तगाली पास लिए इस एरिया से गुजरता था तो पुर्तगाली उस व्यापारी के जहाज को अपने कब्जे में लेकर लूट लेते थे। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि वे समुद्री लुटेरे बन गए थे। पुर्तगालियों की इस लूटपाट से कोझिकोड के समुद्री व्यापार और इनकम पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था, जिसे जामोरिन शासक ने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया और इसी के चलते कोझिकोड और कोच्ची के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस तरह पुर्तगालियों की वजह से इस क्षेत्र के लोगों ने पहली बार विश्वासघात, हिंसा और मासूम लोगों की जान जाते देखा। अब चूंकि इस युद्ध में पुर्तगाली और कोच्ची दोनों एक साथ मिले हुए थे तो ऐसे में कोझिकोड उनके सामने कमजोर पड़ने लगा और इसी के चलते इस लड़ाई में उसे लगातार कई बार हार का सामना करना पड़ा। लेकिन तभी कोझिकोड की रक्षा के लिए एक ऐसा बहादुर और वीर योद्धा सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल इस लड़ाई को जीतने के लिए साल 1520 में जामोरिन शासक ने कोझिकोड के रहने वाले कुट्टी अहमद अली नाम के एक मुस्लिम व्यापारी को अपने समुद्री बेड़े का नेवल एडमिरल बना दिया और उन्हें कुंजाली मरक्कार का टाइटल देते हुए समुद्र तट की रक्षा का काम सौंप दिया। दरअसल दोस्तों कुंजाली मरक्कार के बारे में ये कहा जाता है कि वे लोग अरब से आए हुए व्यापारी थे जो कोझिकोड में बस गए थे और युद्ध के दौरान उनकी वीरता व युद्ध नीतियों को देखते हुए ही जामोरिन शासक ने उन्हें अपने समुद्री बेड़े का एडमिरल बनाया था। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुर्तगालियों के खिलाफ चार अलग अलग मरक्कार कुट्टी अहमद अली, कुट्टी पुक्कर अली, पट्टू मरक्कार और मोहम्मद अली ने साल 1520 से 1600 के बीच यानी 80 साल तक लगातार इस युद्ध को लड़ा था। वैसे दोस्तों सभी मरक्कार एक से बढ़कर एक महान वीर योद्धा थे जिनमें से सभी ने इस युद्ध में अपनी जान दे दी, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा बहादुर, वीर और चालाक योद्धा मोहम्मद अली को माना जाता था जो कि इस जंग में शामिल होने वाले आखिरी मरक्कार थे। और साथ ही आपको बता दें कि अमेज़न प्राइम वीडियो पर मरक्कार मूवी मोहम्मद अली के जीवन पर ही आधारित है। दरअसल पुर्तगालियों से मुकाबला करने के लिए मोहम्मद अली के पास उस समय ना तो कोई जंगी जहाज थे और ना ही किसी भी तरह के आधुनिक हथियार, लेकिन अपनी वीरता और जबरदस्त छापामार युद्ध नीतियों के चलते वे पुर्तगालियों पर हमेशा भारी पड़ते रहे। इस तरह एक के बाद एक साल बीतते गए और ये युद्ध इसी तरह चलता रहा।
मोहम्मद अली के नेवल एडमिरल रहते हुए पुर्तगाली एक बार भी कोझिकोड पर भारी नहीं पड़ पाए थे, क्योंकि वे ना सिर्फ पुर्तगालियों पर सामने से सीधा हमला किए बल्कि उन्होंने उनके दूसरे दुश्मनों जैसे उल्लाल की रानी और बीजापुर के सुल्तान की मदद भी की, ताकि पुर्तगालियों की सेना पर हर तरफ से वार किया जा सके। यही वजह थी कि उस समय मोहम्मद अली न सिर्फ कोझिकोड में बल्कि दूसरे राज्यों में भी फेमस हो गए थे और लोग उन्हें अपना मसीहा मानने लगे थे। हालांकि उनका इस तरह लोगों का हीरो बनना उनके मौत का वजह भी बना था। दरअसल दोस्तों, समय के साथ साथ कोझिकोड के शासक बदल रहे थे और नए आने वाले हिंदू जामोरिन पहले के शासकों जितना समझदार नहीं थे, और इसी चीज का फायदा उठाकर साल 1598 में पुर्तगालियों ने कोझिकोड के जामोरिन को झूठी बातें और कहानियां सुनाकर इस बात का यकीन दिला दिया कि मोहम्मद अली कोझिकोड की सत्ता को हत्या कर उसे एक मुस्लिम साम्राज्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि उस समय कोझिकोड का जामोरिन इतना समझदार नहीं था कि वो पुर्तगालियों के इस षड्यंत्र को समझ पाता, बल्कि उल्टा उनकी बातों में आकर उसने पुर्तगालियों से हाथ मिला लिया और मोहम्मद अली पर धोखाधड़ी, लूटपाट व राष्ट्रद्रोह जैसे कई संगीन आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला सुना दिया। इसके बाद सन 1600 में मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया, जहां उनके गिरफ्तारी के बाद मौत की सजा सुना दी गई। कहते हैं कि सर काटे जाने से ठीक पहले पुर्तगीज किंग फिलिप सेकंड ने उन्हें एक आखिरी मौका भी दिया था, जिसके चलते मोहम्मद अली से कहा गया कि अगर वो अपना गुनाह कबूल करके माफी मांग लें तो उनकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन मोहम्मद अली ने सर झुकाने से कहीं ज्यादा बेहतर मरना समझा और माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अगले ही पल उनके सर को धड़ से अलग कर दिया गया। दोस्तों, आज इस घटना को हुए 420 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन केरला के मप्पिला समुदाय ने कुंजाली मरक्कार की वीरता व उनके बलिदानों को आज तक सजो कर रखा है, और ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मरक्कार जैसी बड़ी फिल्म के जरिए अब हमें भारत के उस वीर योद्धा की कहानी भी पता चल पाएगी, जिसे इतिहास में कब का भुलाया जा चुका है। दोस्तों, मेरा सजेशन है कि इस कहानी को और भी बेहतर तरीके से जानने के लिए आप एक बार मरक्कार मूवी को जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।